तुम्हें कहती थी कि आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तुम्हें मेरे साथ बुरा होना है ना, तो क्यों नहीं होती? क्यों छोड़ के जा रही हो मुझे? मैं तो सिर्फ आपकी आंखों से दूर जा रही हूँ, आपके दिल में तो हमेशा रहूंगी। हे गाइस, स्वागत है आपका टेलीविजन पर, जहां हम आपको आपके फेवरेट टीवी शोज के लेटेस्ट अपडेट से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे अनुपमा में आए एक बड़े ट्विस्ट के बारे में, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देगा। अनुज, अनुपमा और आध्या के बीच जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी कहानी लेकर आए हैं हम। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नए एपिसोड में अनुपमा की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसमें इमोशंस की तूफान उठ रही है। अनुज, जो हमेशा से अनुपमा का सहारा बनकर रहा है, अब ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसमें उनका रास्ता अलग हो रहा है। बहुत सी गलत फहमियों और दिल तोड़ देने वाले फैसलों के बाद अनुज ने आध्या के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अनुज, जो हमेशा अनुपमा के साथ खड़ा रहा है, अब आध्या के साथ अपना नया परिवार बसाने जा रहा है। इस फैसले ने अनुपमा को तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुज इतना बड़ा कदम उठा सकता है। जो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते थे, वो अब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, और इस शो में एक तेजी से भरी इमोशनल ड्रामा की शुरुआत हो गई है। मगर सवाल ये है कि अनुज ने ऐसा फैसला क्यों किया? क्या अनुज अपनी पुरानी जिंदगी के दुखों से दूर भागना चाहता है, या आध्या के साथ उनका कोई गहरा रिश्ता है? शो में सस्पेंस अभी भी बरकरार है, और फैंस को आगे क्या होने वाला है इसके लिए बेचैन छोड़ दिया है। अनुज का ये नया फैसला अनुपमा की कहानी में एक नया चैप्टर खोल कर रख देगा। अब कैरेक्टर्स के बीच में डायनेमिक्स बिल्कुल बदलने वाले हैं, और आने वाले एपिसोड में और भी इंटेंस ड्रामा देखने को मिलेगा। अब अनुपमा के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्या वो अपने प्यार के लिए लड़ेगी, या फिर अनुज को उनके नए परिवार के साथ जाने देगी? और आध्या की अनुज की जिंदगी में क्या जगह है, ये अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है कि आध्या अनुपमा के लिए और दुख लेकर आएगी, या वो अनुज और अनुपमा को दोबारा से एक कर देगी। टेंशन अपनी चरम सीमा पर है, और इन कैरेक्टर्स की इमोशनल गहराइयां व्यूअर्स को और करीब ला रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, व्यूअर्स ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या अनुज और अनुपमा के प्यार की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर इनके प्यार में मिलने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा और अनुज की प्यार की कहानी सच में खत्म हो गई है? क्या आपको लगता है कि वो फिर से एक दूसरे से दोबारा मिल जाएंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।